मुझे आपने मौका दिया था कि ब्यूरोक्रेसी जो पार्लियामेंट को वो इज्जत नहीं देती जो पार्लियामेंट की इज्जत होनी चाहिए, और ये हमारी कमजोरी है, और ये कमजोरी आज की नहीं है, ये काफ़ी अरसे से यही चल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी कभी भी जो इम्पोर्टेंस लेजिस्लेशन है या क्वेश्चन आवर्स है उस पर वो आए और बैठे, सुने और रियलाइज करें कि इश्यूज कौन से हैं। आप सही कहते हैं, मगर क्योंकि अब टाइम नहीं है, इसलिए आने वाली असेंबली से ये उम्मीद करेंगे कि वो इस बात को सामने रखें इंशाल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आज से दो दिन तीन दिन पहले मैंने इस हाउस में जो कमेटी पार्लियामेंट ने बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई थी कादर मंदो खेल के चेयरमैनशिप में, उनका अभी तक कोई जवाब तीन दिन में नहीं आया। मैंने कहा था कि उन मिनिस्ट्रीज को बुला लिया जाए, असेंबली बुलाए और उनसे बैठ के बात करें कि आप पार्लियामेंट के ऑर्डर के बाद, पार्लियामेंट की जो रेजोल्यूशन है उसके बाद उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो पार्लियामेंट की हैसियत क्या रहेगी। तो उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, जो बड़ा अफसोस की बात है। और ये खास करके मैं ईओबीआई की भी बात करूंगा, उसके सिलसिले में लॉ मिनिस्ट्री को भी भेजा गया था, लॉ मिनिस्ट्री ने भी उसको अप्रूव करके भेज दिया कि ये ठीक है, जो सैक मुलाजमीन है या अफेक्टेड मुलाजमीन है उनकी उनको बहाल किया जाए केसेस को। जो अफसोस है कि उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दिया गया। मैं प्रोटेस्ट करता हूँ बीइंग अ मिनिस्टर कि पार्लियामेंट का एहतराम करवाया जाए, और वो जिम्मेदारी आपकी भी है और डिप्टी स्पीकर की भी है, और जो आपके यहाँ नीचे बैठे हैं सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरीज इनकी भी है कि ये आपको बताएं कि आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, कौन सी अहम बात थी और पार्लियामेंट के लिए कौन सी ऐसे इशूज थे जिस पर अमल नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ फॉर गॉड से आप आज कोई ऑर्डर निकालें, आज उन मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज के ऊपर एक्शन लें जिन लोगों ने ऑर्डर देने के बावजूद भी पार्लियामेंट के ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके जो डिसीशंस थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इससे पहले 2010 में, 11 में, 12 में मैं इसी कमेटी का चेयरमैन था और 2,10,000 लोगों को रेगुलराइज किया था, सैक मुलाजमीन को बहाल किया था, और 2,10,000 लोग एक तीन साल के अंदर, चार साल के अंदर सारे अपने जॉब पे चले गए। यहाँ तक के हमने उन सैक मुलाजमीन को तीन साल की तनख्वाहें भी दी थी, यहाँ तक के भी जो लेडी हेल्थ विजिटर थी 1,05,000 उनको तनख्वाहें जो 4,000-5,000 थी उनको गवर्नमेंट की तनख्वाहों पे लेके आए 15,000 पे। ये सारे ऑर्डर हुए सब पार्लियामेंट का है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पार्लियामेंट के ऑर्डर को ऑर्डर समझें, मगर मैं समझता हूँ कि ये हमारी कमजोरी है कि इस पार्लियामेंट को कमजोर कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू शाह साहब। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली।